नमस्कार विद्यार्थियों, अपनी पिछली जो क्लासें थी उसमें अपन ने राजनीति विज्ञान विषय का अध्ययन किया और जिस प्रकार मैंने बताया था कि साहब ने सामाजिक विज्ञान में विषय जो सामाजिक विज्ञान विषय है उसके चार पार्ट आते हैं, उसमें एक पार्ट का अपन ने दो तिहाई हिस्सा पढ़ लिया है और वो पार्ट था राजनीति विज्ञान। और चार पार्ट जो मैंने बताए थे आपको, इतिहास, भूगोल और इकोनॉमिक्स। अब अगला जो टॉपिक स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। आज 31 अगस्त है और एक गाइडलाइन सरकार की ओर आ चुकी है कि 30 सितंबर तक स्कूलें बंद रहेगी, स्कूल कॉलेजों में छुट्टियां रहेगी। तो जिस प्रकार से मैं शुरू से आपको बोलता आ रहा हूं कि इस वर्ष 2020-21 में विद्यार्थी जीवन में मान लो, स्कूल लाइन में मान लो, सबसे ज्यादा अगर दायित्व बढ़ गया है वो आप लोगों का है और आप लोगों को अपने भविष्य के लिए खुद जागरूक होकर अध्ययन करना है। हम केवल आपको गाइडलाइन दे सकते हैं और गाइडलाइन समय समय पर दी जा रही है और देते रहेंगे। यानी आप लोगों को एक्टिव होकर अध्ययन करना है। आप सब लोगों के मन में, कल मैं फील्ड में गया था तो वहां पर एक बात देखी थी, सब लोगों के मन में एक बात है कि साहब सबके साथ होगा जो हमारे साथ भी हो जाएगा, और जिसके मन में यह है वो उसके लिए हानिकारक है, उसके लिए मान लो, उसके परिवार के लिए मान लो और उसके खास तौर से उसके इस सत्र के लिए हानिकारक है। कई स्टूडेंट इसको जीरो सत्र मानने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से ये अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है उसके हिसाब से जीरो सत्र तो मैंने जहां तक अनुमान लगाया उस हिसाब से जीरो सत्र नहीं होगा। तो अध्ययन जारी रखें, लगातार अध्ययन करें, लगातार प्रयास करें। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों को अध्ययन करना है। आगे समय समय पर गाइडलाइन आपको विद्यालय प्रबंधन द्वारा गाइडलाइन देते रहेंगे। आज हम यहाँ पर मेरे साथ तो दो चार पाँच सात दिन निकल गए सोशल स्टडी क्लास डाले हुए, तो सोशल स्टडी क्लास हम डाल रहे हैं, आज बना रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा कि साहब सोशल स्टडी के चार पार्ट हैं, चार मुख्य रूप से भाग हैं, चार पार्ट हैं। एक पार्ट अपन ने अध्ययन कर लिया लगभग, दूसरा पार्ट आज यहां पर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है भूगोल, जो सामाजिक का दूसरा पार्ट अगर अपन यहां पर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका है वो विषय है भूगोल। और भूगोल का जो आपका भाग है वो कहाँ पर है, किताब के आठवें लेसन से स्टार्ट है, किताब के आठवें लेसन से स्टार्ट है और चौदहवें लेसन तक है, लेसन नंबर 8 से लेकर 14 तक अब भूगोल का पार्ट है। तो भूगोल का पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा कार्य बता रहा हूँ जिसको आपको रेगुलर करना है और वो लगभग 15 दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए। जो होमवर्क बता रहा हूँ आपको उसको गौर से सुनना। आज से आप लोगों को लेसन नंबर 8 से ध्यान से सुना, लेसन नंबर 8 से होमवर्क कॉपी में छोटे महत्वपूर्ण बिंदु बनाने हैं, लेसन नंबर 8 से छोटे महत्वपूर्ण बिंदु बनाने हैं आपको।
और ये लगभग आज जो डेट 31 अगस्त हो चुकी है, और ये आपका जो 8 से लेकर 14 तक का होमवर्क है वो लगभग आपका 15 सितंबर को चेक होगा। 15 सितंबर तक आपको उसका होमवर्क कर लेना है। छोटे महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको पहले बताया हुआ तरीका किस प्रकार से बनाना है, आज अपन यहाँ पर इसमें एक लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। क्यों अगली बार क्या है ये समस्या चल रही है कि साहब लेसन अपने जो कोर्स होगा वो कम होगा, किस हिसाब से होगा, उस हिसाब से हम अपने अनुमान के अनुसार लेसन आपको पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर लेसन नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं अपन, लेसन नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं, और लेसन नंबर 12 का नाम है साहब मानव संसाधन। लेसन नंबर 12 का नाम है मानव संसाधन। अब आप लोगों को छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि साहब संसाधन किसे कहते हैं, छोटा सा रिपीट कर रहा हूं यहां पर, फिर मानव संसाधन का अर्थ बताएंगे अपन। संसाधन किसे कहते हैं, यानी संसाधन का मतलब है इस पृथ्वी पर धरातल पर, ध्यान से सुनना संसाधन की परिभाषा, इस पृथ्वी पर धरातल पर पाए जाने वाले वे समस्त पदार्थ, पाए जाने वाले वे समस्त पदार्थ या तत्व, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, जो मनुष्य के लिए सहायक हो या मनुष्य जीवन को खुशहाल बनाने में सहायक हो, उनको क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। संसाधन का सिंपल सा अर्थ है कि अपने इस पर्यावरण में, इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त तत्व जो मनुष्य के लिए उपयोगी हो, मानव जीवन को खुशहाल बनाने में सहायक हो, उन सबको क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। तो इस दृष्टि से मनुष्य भी इस पर्यावरण में उपस्थित है, और एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के लिए सहायक है, उपयोगी है, इसलिए मनुष्य भी क्या हो गया, संसाधन हो गया। मनुष्य भी क्या हो गया बताऊं, संसाधन हो गया। तो इस लेसन में अपन मानव संसाधन का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे, मानव संसाधन का। मानव यानी एक तरह से देखो मनुष्य है, जैसे मान लो अपन यहां पर देखते हैं पूरी पृथ्वी के ऊपर पूरे संसार में लगभग 7.5 अरब जनसंख्या है। भारत में जैसे आपने 2011 के अनुसार देखा कि साहब 121 करोड़ लगभग जनसंख्या है। तो जिस प्रकार से मैंने कहा संसाधन की परिभाषा बता दो, संसाधन की परिभाषा मनुष्य बैठता है कि मनुष्य मनुष्य काम में आता है, इसलिए मनुष्य भी क्या हो गया बताओ, संसाधन हो गया। जैसे मान लो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं आपके काम में आ रहा हूं, आप में से आपके जीवन में सहयोग प्रदान कर रहा हूं, खुशहाल बनाने में सहयोग प्रदान कर रहा हूं, तो मैं एक संसाधन हूं। तो इस प्रकार से संसाधन का अर्थ है कि साहब पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त तत्व जो मानव के लिए उपयोगी हो, मानव जीवन को खुशहाल बनाने में सहायक हो, उसे क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। जैसे ये पत्थर है, ये संसाधन है, पेड़ पौधे हैं संसाधन है, जीव जंतु है संसाधन है, ये धरातल पृथ्वी है संसाधन है, ये हवा है एक तरह संसाधन है। तो देखो पर्यावरण में पाए जाने समस्त तत्व क्या है, मानव के लिए उपयोगी, उसे संसाधन कहते हैं। तो इस दृष्टि से अपन मनुष्य को रखें तो मनुष्य भी मनुष्य के उपयोग में आता है, इसलिए मनुष्य भी क्या हो गया, संसाधन हो गया। मनुष्य भी क्या हो गया बताओ, संसाधन। तो संसाधन की दृष्टि से अपन यहां पर मनुष्य का अध्ययन करेंगे। तो यहां पर अपन मनुष्य का अध्ययन करें तो मनुष्य का अध्ययन करने के लिए अपन को, यानी अपन ने देख लिया कि पहले तो अपन ने समझा कि साहब मनुष्य भी एक संसाधन है। क्यों, क्योंकि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के काम आ रहा है, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के जीवन में सहयोग प्रदान कर रहा है। तो संसाधन की परिभाषा की दृष्टि से मनुष्य भी इस पर्यावरण का तत्व है, तो मनुष्य इस दृष्टि से क्या हो गया बताओ, संसाधन हो गया। तो मनुष्य का अध्ययन करने के लिए सबसे पहला बिंदु अपन को पढ़ना पड़ेगा, वो पढ़ेंगे अपन जनसंख्या। जनसंख्या सबसे पहला बिंदु कि साहब जनसंख्या, क्योंकि अपन अपने मानव संसाधन का अध्ययन कर रहे हैं तो प्रत्येक देश में लोगों का संख्या कितनी है, लोगों का जीवन स्तर कैसा है,
इन सब के बारे में अपन अध्ययन करते हैं जनसंख्या में। तो जनसंख्या, सबसे पहले इसकी परिभाषा देखेंगे। जनसंख्या, जनसंख्या किसे कहते हैं? तो देखो यहां पर शाब्दिक अर्थ से देखें, अपने शाब्दिक अर्थ से देखें तो देखो यहां पर जनसंख्या, जन का मतलब लोग, व्यक्ति, और संख्या का मतलब फिक्स काउंटिंग या संख्या, मतलब तो संख्या होता ही है। जनसंख्या यानी लोगों की संख्या, जनसंख्या यानी लोगों की संख्या। तो यहां पर अपने ये तो शाब्दिक अर्थ बताया मैंने यहां पर, जनसंख्या यानी लोगों की संख्या। अब यहां पर परिभाषा बनाए इसकी कि साहब जनसंख्या किसे कहते हैं। तो मैं आपको ऑफलाइन क्लास पढ़ाता तो उसी दृष्टि से आपको बता रहा हूँ कि साहब एक परिभाषा बनाने के लिए मैं आपको कुछ शब्द लिख रहा हूँ, उन शब्दों को मिलकर आपको परिभाषा बनानी है। कि साहब जैसे मान लो यहाँ पर पहला शब्द लिखा मैंने निश्चित भूभाग, दूसरा शब्द लिखा निश्चित समय, यानी तीन शब्द लिखे मैंने यहां पर। इन तीन शब्दों से अपन परिभाषा बनाएंगे कि साहब जनसंख्या किसे कहते हैं। तो जनसंख्या परिभाषा इन तीन शब्दों से बनाएंगे अपन, यानी क्या हुई परिभाषा, इन तीनों को जोड़े तो कैसे होगी कि साहब किसी निश्चित भूभाग, किसी निश्चित भूभाग में निश्चित समय में निवास करने वाले लोगों की कुल संख्या को क्या कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं। तीनों शब्दों को जोड़े अपन परिभाषा बन जाएगी कि साहब किसी निश्चित भूभाग में निश्चित समय में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। परिभाषा बहुत सिंपल सी हो गई, सरल सी हो गई कि साहब किसी निश्चित भूभाग में निश्चित समय में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा किताबों में कि साहब 2001 लगभग 102 करोड़ और निश्चित भूभाग क्या हो गया, भारत। तीनों चीजों को जोड़े तो देखो, जोड़कर देखो जनसंख्या हो गया, जनसंख्या परिभाषा हो गई। जनसंख्या का मतलब हो गया कि साहब निश्चित भूभाग क्या हो गया, भारत, निश्चित समय 2001, निश्चित संख्या 102 करोड़। इस प्रकार जैसे मान लो 2011 माने अपन 121 करोड़ लगभग और वही भारत हो गया। परिभाषा देखो सिंपल सी है, सरल सी है। जनसंख्या किसे कहते हैं अपने, यानी जनसंख्या का मतलब है किसे कहते हैं जनसंख्या, यानी निश्चित भूभाग, या इसको ऐसे कर लें कि साहब किसी निश्चित समय में निश्चित भूभाग में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। इन तीन शब्द बताए मैंने अभी आपको, पहला शब्द निश्चित भूभाग, दूसरा शब्द निश्चित समय, और तीसरा निश्चित टोटल संख्या, कुल संख्या। तो देखो यहां पर जैसे उदाहरण बताया मैंने अभी आपको, तीनों शब्दों को यहां पर रखें कि साहब 2001 में निश्चित समय हो गया, भारत में निश्चित भूभाग हो गया, कुल संख्या 102 करोड़ कितने हो गई, 102 करोड़। तो इस प्रकार से यह जनसंख्या है, यानी जनसंख्या का अर्थ सिंपल सा है, सरल सा है, जिसको आप देखोगे, यानी अपन यहाँ पर मानव संसाधन का अध्ययन कर रहे हैं, मानव संसाधन में अपन जनसंख्या का अध्ययन कर रहे हैं। तो जनसंख्या के अध्ययन में अपन देखें परिभाषा, देखें जनसंख्या की, तो परिभाषा सिंपल सी है, सरल सी है कि साहब किसी निश्चित समय में निश्चित भूभाग में निवास करने वाले कुल लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। आ गया होगा समझ में आपके। अब देखो जो अपना ये जनसंख्या है, इस जनसंख्या पर अध्ययन किसका करते हैं, जनसंख्या मुख्य रूप से अध्ययन किन बिंदुओं का किया जाता है,
जनसंख्या मुख्य रूप से अध्ययन किन बिंदुओं का किया जाता है? जनसंख्या का जो अध्ययन करते हैं अपन, वो तीन बिंदुओं का मुख्य रूप से करते हैं। कितने बिंदुओं का? तीन बिंदुओं का। जनसंख्या में जो अध्ययन किया जाता है वो तीन बिंदुओं का अध्ययन किया जाता है मुख्य रूप से। कितने बिंदुओं का अध्ययन किया जाता है? तीन का। सबसे पहले आकार, वितरण। सबसे पहला क्या आ गया? आकार, वितरण और घनत्व। जनसंख्या हम तीन बिंदुओं में अध्ययन करते हैं। पहला हो गया क्या बताओ? आकार, दूसरा वितरण और तीसरा घनत्व। पहला बिंदु हो गया ये। अब दूसरा बिंदु क्या है? वृद्धि और परिवर्तन। जनसंख्या दूसरी तरह से अध्ययन करते हैं अपने, वृद्धि और परिवर्तन। तीसरा अध्ययन करते हैं जनसंख्या, गुण और विशेषताएं। जनसंख्या का जो बिंदु आ जाता है वो जनसंख्या का जो बिंदु है, जनसंख्या का जो अध्याय है वो जनसंख्या अध्ययन में जनसंख्या का अपन अध्ययन करते हैं। वो जनसंख्या अध्ययन तीन बिंदुओं के आधार पर करते हैं। किन बिंदुओं के आधार पर करते हैं? तीन। यानी तीन प्रकार से, तीन तरह से अपन जनसंख्या अध्ययन करते हैं। पहला जनसंख्या में आकार, वितरण और घनत्व है। दूसरा जनसंख्या वृद्धि और परिवर्तन। तीसरा गुण और विशेषताएं। तीसरा क्या कहता है? गुण और विशेषताएं। तो देखो यहां पर, अब सबसे पहले अपन जो अध्ययन करेंगे, पॉइंट बता दिया मैंने पहले आपको कि साहब जनसंख्या अपन अध्ययन तीन दृष्टि से करते हैं। तो सबसे पहले अध्ययन करते हैं अपन पहले बिंदु का। सबसे पहले अध्ययन करते हैं पहले बिंदु का, जनसंख्या आकार और वितरण। घना तो बाद में पढ़ लेंगे इसी बिंदु में। पहला बिंदु आपके इस पाठ का आता है आकार और वितरण। पहला के बिंदु क्या आता है? आकार और वितरण। पहला बिंदु आता है आकार और वितरण। तो देखो यहां पर आकार में अपन, यानी निश्चित समय पर प्रत्येक देश में जनसंख्या की काउंटिंग होती है, गिनती होती है, और कुल काउंटिंग को या कुल संख्या को अपन यहां पर आकार की दृष्टि से देखते हैं। कुल काउंटिंग को अपन किस दृष्टि से देखते हैं? आकार की दृष्टि से देखते हैं। जैसे मैंने अभी आपको लिखा था 2001 में 2011 में। तो सबसे पहले तो आकार देखें अपन, साहब भारत में कुल जनसंख्या कितनी है आकार की दृष्टि से देखें। तो आकार में आपके सिलेबस में अपन अध्ययन करते हैं तो लास्ट काउंटिंग का करते हैं। किसका करते हैं? लास्ट काउंटिंग। लास्ट काउंटिंग कब हुई थी? लास्ट काउंटिंग हुई थी 2011 में। कब हुई थी? 2011 में। तो देखो 2011 में कुल जनसंख्या कितनी थी, मैं लगभग बताया लेकिन यहां पर पूरी लिख रहा हूं आपको। यानी कुल बता रहा हूं आपको, यानी अपने देश की 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या थी कितनी, इसको करें 1,21,01,93,422 व्यक्ति। इन कुल जनसंख्या अगर अपन देखें आकार में, आकार में कुल संख्या देखेंगे अपन, आकार में अपन क्या देखेंगे? कुल संख्या। और कुल संख्या देखो 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या थी 1,21,01,93,422 व्यक्ति। ये कब थी? 2011 के अनुसार। 2011 की काउंटिंग हुई, 2011 की काउंटिंग के अनुसार कुल जनसंख्या थी। अब इसको अपन कुछ दृष्टि से आकलन करेंगे जनसंख्या का कि साहब टोटल विश्व की कुल जनसंख्या है उसका ये जनसंख्या 17.3% थी। यानी संसार की कुल जनसंख्या का, ये कुल जनसंख्या का, ये भारत की जनसंख्या कितनी थी बताओ? 17.3% थी। कितनी थी बताओ? 17.3। जबकि अपने देश का
जो क्षेत्रफल है संसार का वो कितने है? 2.4%। क्षेत्रफल कितना है? 2.4%। और जनसंख्या कितनी है टोटल की? 17.3%। यानी आकार, अब देखो पॉइंट समझना सीखो आप, आकार में अपन क्या करेंगे, आंकड़े देखेंगे, कुल संख्या देखेंगे। और कुल संख्या को अपन पहले संसार में देखकर विश्लेषण करते हैं, फिर भारत का देखेंगे, आकार में कुल संख्या आकलन करते हैं। तो कुल संख्या में सबसे पहले भारत की जनसंख्या, अब भारत की जनसंख्या संसार में कितने परसेंट थी? 17.3%। क्षेत्रफल जबकि कितना है बताओ? 2.4%। अब भारत में जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उसके कुछ आंकड़े देखें, तो सबसे आगे सबसे अधिक जनसंख्या यूपी, यानी किसकी थी बताओ? उत्तर प्रदेश की। किसकी थी बताओ? उत्तर प्रदेश की। वो थी देखो 19,95,81,477। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला शहर सॉरी राज्य था कौन सा? उत्तर प्रदेश। कौन सा था बताओ? उत्तर प्रदेश। जो कुल जनसंख्या का 16.49%, कुल का मतलब भारत की जनसंख्या का 16.49%। यानी आंकड़े देखो, आकार में अपन देख रहे हैं, आकार में क्या देखेंगे? आंकड़े देखेंगे, कुल संख्या का आंकड़े देखेंगे। तो सबसे पहले कुल संख्या भारत की, फिर भारत में सबसे पहले नंबर कौन सा राज्य, कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश, जिसकी जनसंख्या कितनी बताओ? कितनी थी बताओ? 16.49%। कितनी थी? 19,95,81,477 व्यक्ति। और सबसे कम जनसंख्या किसकी थी? वो थी सिक्किम। सबसे कम जनसंख्या कौन से राज्य की बताओ? सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की? सिक्किम की। वो थी 0.05%। सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की? यूपी की। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की। सिक्किम की कितनी? 6,07,688। तो इस प्रकार से अपन यहां पर क्या देख रहे हैं? आकार देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं बताओ? आकार। अब देखो यहां पर आकार के साथ साथ, आकार का अध्ययन किया अपन ने, आकार के साथ साथ अपन अध्ययन करेंगे वितरण का। किसका अध्ययन करेंगे बताओ? वितरण का। देश के कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें जनसंख्या अधिक थी, कुछ राज्य ऐसे हैं जिन संख्या क्या थी बताओ? कम थी। तो जैसे मान लो अपन ने देखा कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी बताओ? लगभग 19 करोड़। और एक ऐसा राज्य है जिसकी जनसंख्या मात्र कितनी बताओ? कितनी बताओ? 6 लाख। तो वितरण का मतलब बताओ जनसंख्या किस प्रकार से देश में बसी हुई है, जनसंख्या किस प्रकार से देश में बसी हुई है, इसको क्या कहते हैं? वितरण कहते हैं। क्या कहते बताओ? वितरण। यानी जनसंख्या का वितरण किस प्रकार का है? तो वितरण में जब आकार अपन ने देख लिया, वितरण पढ़े तो वितरण में देखें तो वितरण में देखो असमान वितरण है। कैसा वितरण है बताओ? असमान। और असमान वितरण है पूरे देश की जनसंख्या का, यानी कई देश राज्य हैं देश में जो सघन बसे हुए देश राज्य हैं, कुछ राज्य जो विरल बसे हुए राज्य हैं। और राजस्थान की बात देखें तो राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से वो है साहब 8वां स्थान। कौन सा स्थान है? 8वां। राजस्थान का जनसंख्या दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? 8वां। जबकि क्षेत्रफल में पूछो आप राजस्थान का तो कौन सा स्थान आएगा? पहला स्थान आएगा। क्षेत्रफल पहला स्थान आएगा और जनसंख्या में कौन सा स्थान आता है? 8वां। कौन सा स्थान आता है? 8वां। तो देखो यहां पर ये अपन ने जनसंख्या का आकार और वितरण देखा।
यानी कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे अपन देखेंगे साहब, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, महाराष्ट्र है ना, कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे मान लो मैंने बताया ना, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों में सघन बसे हुए राज्य हैं जिसमें अधिक जनसंख्या है। जैसे कुछ राज्य हैं जैसे आपके पूर्वोत्तर के राज्य हैं, आपके अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, मेघालय है, इनमें क्या है जनसंख्या बहुत कम बसी हुई है। जैसे सिक्किम राज्य में 6 लाख जनसंख्या है। तो इस प्रकार से पहला पॉइंट अपन ने देखा कौन सा, आकार और वितरण। पहला पॉइंट कौन सा देखा बताओ, आकार और वितरण। हाँ होगा समझ में आपके। अब यहां पर अपन देखेंगे और राजस्थान की जनसंख्या थोड़ी और देख लें साथ में, है ना, कि साहब 8वां स्थान था लेकिन राजस्थान कुल जनसंख्या कितनी थी 2011 के अनुसार। तो यहां पर देखें राजस्थान की जनसंख्या थी 686,21,012। राजस्थान की देखें क्यों, राजस्थान के निवासी हो आप, राजस्थान की जनसंख्या देखें तो राजस्थान की जनसंख्या क्या थी, 6,86,00,000। कितने थे बताओ, 6,86,21,012। कितने थे बताओ, 6,86,21,012। और देखो यहां पर ये कुल जनसंख्या कितना था, भारत की कुल जनसंख्या भाग देखें तो 5.67। अगर कुल जनसंख्या देखें भारत कितना हिस्सा है भारत की जनसंख्या का, तो 5.68। जबकि क्षेत्रफल में कितने हैं, क्षेत्रफल में पहला स्थान है, इसलिए लगभग 10% क्षेत्रफल है राजस्थान का। अब राजस्थान में देखें एक छोटा सा आंकड़ा देखना है कि राजस्थान में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो आता है जयपुर। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा आता है, जयपुर, जिसकी जनसंख्या थी 66,63,971। यानी कितनी हो गई, 66,63,971। कुछ आंकड़े आपको याद रखने, देखो ये आकार और वितरण में आंकड़े याद रखने हैं। राजस्थान की जनसंख्या 6,86,21,012। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा, जयपुर, 66,63,971। कितने थे बताओ, 66,63,971। और जनसंख्या कुल जनसंख्या कितनी थी बताओ, 5.67%। कितने थे बताओ, 5। अब सबसे कम जनसंख्या वाला जिला अगर आपको याद आए तो कौन सा आता बताओ, जैसलमेर। कौन सा, जैसलमेर, जिसकी कुल जनसंख्या थी मात्र कितनी, 6,62,008। कितनी थी, 6,62,008, जो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला था। तो यहां पर आकार और वितरण में अपन ने कुछ देखा कि साहब किस प्रकार से आकार और वितरण है। आया होगा समझ में आपके कि आकार में आपको कुल जनसंख्या फिक्स समय के लिए देखना है। मैंने बताया फिक्स समय के लिए जनसंख्या देखनी है, तो फिक्स समय के लिए जैसे मान लो अपन इकाई मान लें 2011 की, कौन जनसंख्या बताओ, 2011। 2011 की जनसंख्या अनुसार देश का और राजस्थान के आंकड़े हैं। अब अगला टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे। इसकी मैं परिभाषा बता देता हूं अभी आपको। जनसंख्या बढ़ती, जनसंख्या बढ़ती किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा बना दें, फिर बाद में आगे टॉपिक अगले क्लास में पढ़ेंगे अपन। तो परिभाषा देख ले इसकी, तो परिभाषा बनाने के लिए मैंने आपको कुछ शब्द लिखे थे, यहां पर कुछ शब्द लिख रहा हूं जिन शब्दों को देखकर आपको परिभाषा बनानी है। कि साहब सबसे पहले आएगा द
निश्चित क्षेत्र मान लो, दो निश्चित समय बिंदु और परिवर्तन, और परिवर्तन कौन सा? धनात्मक, वृद्धि देख रहे अपन। धनात्मक परिवर्तन, अब इसकी परिभाषा बनाएंगे अपन। तो परिभाषा कैसे बनाएंगे कि साहब किसी निश्चित क्षेत्र में दो निश्चित समय बिंदुओं में होने वाले जनसंख्या के धनात्मक परिवर्तन को क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जैसे यहां पर एग्जांपल बता रहा हूं मैं, ध्यान रखना। निश्चित क्षेत्र है भारत, कौन सा है? भारत। दो निश्चित समय बिंदु मान लो 2001 और 2011, 2001 और 2011। अब 2001 में जनसंख्या थी 102 करोड़ लगभग, यहां पर कितनी थी? 121 करोड़। अब इसमें देखो आप, अंतर दिख रहा है आपको? दिख रहा है अंतर? तो लगभग यहां पर 19 करोड़ धनात्मक परिवर्तन हो गया। दो निश्चित समय बिंदु में निश्चित क्षेत्र में जनसंख्या में परिवर्तन को धनात्मक परिवर्तन को क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। यानी दो निश्चित समय बिंदुओं में किसी निश्चित क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ती है या धनात्मक परिवर्तन होता है, पॉजिटिव परिवर्तन होता है, उसको क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। उदाहरण देखो आप, भारत निश्चित भूभाग, दो निश्चित समय बिंदु कौन से? 2001 और 2011। दो निश्चित समय बिंदु में 102 करोड़ से कितनी हो गई? 121 करोड़, यानी 19 करोड़ बढ़ गई। तो ये क्या हो गया? जनसंख्या वृद्धि हो गया। क्या हो गया बताओ? जनसंख्या वृद्धि। इससे अगला बिंदु अपन अगली क्लास में पढ़ाएंगे। तो देखो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, लगातार अध्ययन करना है आपको, और 15 तारीख तक ज्योग्राफी का होमवर्क चेक होगा आपका, भूगोल का, जो लेसन 8 से लेकर 14 तक, जिसको महत्वपूर्ण बिंदु बनाने हैं आपको, साथ साथ में क्लासें लेनी है। ठीक है, धन्यवाद।